मोदी बच्चे ये इसको पीने के लिए आए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे साथ है मेरी बड़ी बहन। तो आज का वीडियो होने वाला है ट्राइंग आउट। और मैं कब से इसको रील शेयर कर रही थी कुछ वायरल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये बोली चलो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं ताकि हम अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर सके। तो इस वीडियो में ना बेसिकली खाने पीने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना और वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो का आशीर्वाद दे सकते हैं मुझे भी। और हाँ, इसको भी, इसका भी हैंडल शेयर कर दूंगी। तो बातें बहुत कर ली है, मेरे पास बहुत एक्साइटिंग चीज है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे यार इतनी सारी ड्रिंक्स, हेल्दी ड्रिंक ले लो या फिर कोई भी वायरल प्रोडक्ट जो आप सेलिब्रिटीज के हाथ में देखते हो या फिर वो डे टू डे रूटीन में उनको कंज्यूम करना पसंद करते हैं, वही सब प्रोडक्ट्स हमने ढूंढ ढांड के इधर उधर से पूरे पूरे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। हम वन बाय वन वो सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे और उन्हें रेट देंगे कि वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। हाँ वही समथिंग। सो फर्स्ट वी हैव दिस ब्लैक वाटर, ब्लैक अल्कलाइन वाटर। ये सबसे पहले करण जौहर के हाथों में मैंने एयरपोर्ट लुक में देखा था और मुझे लगा ये कौन क्या पी रही है, ऐसी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। तो इट्स अ वाटर और ये काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा पूरा ऐसा कुछ क्लेम करते हैं। तो लेट्स सी, हम मैं पहली बार पी रही देख रही, सबसे पहले ट्राई यही करेंगी। नहीं ऐसा नहीं है यार। वैसे इसका MRP है 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ का काला पानी आपको पीना है तो आप पीना, पहले हम इसे ट्राई करते हैं और बताते क्या। इट्स लुक लाइक पेप्सी और कोक लाइक। हाँ और ये काढ़ा भी लग रहा है मुझे। पानी लग रहा है। अगर मुझसे पूछोगे कि क्या मैं इसको डेली पीना पसंद करूंगी जस्ट लाइक करण जौहर, तो करण जौहर के पास पैसा है इसलिए मैं तो नहीं पीऊंगी। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। ये तो मुझसे बड़ी कंजूस है, ये तो नहीं पीऊंगी। सो नेक्स्ट वी हैव दिस ओशियन फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट वाटर, जो भी आप इसे कह लो। मैंने इसे एप्पल फ्लेवर में लिया है। इट कॉस्टेड मी 60 रुपीज़ और इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। तो ये पीने का सिर्फ एक ही था कि इसमें एप्पल फ्लेवर बोला, तो मैं जानना चाहती थी क्या इसमें एप्पल का टेस्ट एक्चुअल में आएगा। इसने वो एप्पल साइडर होता है लाइक उस टाइप का ही है। नहीं, मैं आई एम मोर इनटू स्वीटनेस वाले उसमें। पी लो आप। एप्पल फिज है ना उसका ना। वाओ टेस्ट आ रहा है। हाँ यार है ना, ये तो सच में फ्रूट ड्रिंक टाइप की है। इसका माइल्ड टेस्ट आ रहा है एप्पल फिज का। और ये 60 रुपए की बॉटल है। मुझे तो ठीक लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि भैया गर्मी से डिहाइड्रेशन होगा तो मुझे ऐसा लगेगा। मुझे बेस्ट ऑप्शन है, मुझे तो मैं ये पी लेती हूँ। कोक वगैरह से तो बेटर है। हाँ सही है। वी हैव दिस फास्ट एंड अप एप्पल साइडर विनेगर। ये टैबलेट्स है जो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हम दोनों बहनों ने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया ना, तो हम लोग अपने पेट टमी को अंदर करने के लिए एक दूसरे को रील्स भी शेयर करते थे। तो इसके लिए मैं पहले ग्लास में एकदम वाटर पोर कर लेती हूँ। ये हमने पानी में डाल दिया, इसमें अच्छे खासे बबल्स आ रहे हैं। मैं शेयर कर दूंगी इस वीडियो में ना गाइस। इसके बबल्स सारे हमने उड़ा दिए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, पर इसका सिर्फ पहले मैं लूँगी। वाओ ये बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा देखने में। बट वही है जैसे कि मैंने कहा कि आप हेल्दी चीजें खाते हो आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लगती, बट काम तो वही करते। सो नेक्स्ट वी हैव दिस कश्मीरी चाय। वैसे तो लोगों ने DIY करके इसको बनाना सिखाया बट उसका टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है। और ये पिंक कलर की कन्वर्ट होगी कि नहीं मुझे ये देखना है। तो चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। दीदी इट कॉस्टेड मी 220 रुपीज़ और इसमें 10 सैशे मिलते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, ये सैशे को ऐसे टीयर करना है, देन उसको इस पर ग्लास पर डाल देना है, सॉरी कप में। और ये गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी, मुझे और कुछ नहीं मिला लाने को तो मैंने इसमें ये पोर कर दिया। वाह चिड़ी गया।
देखने में बहुत अच्छी है लेकिन पीने में इसको काढ़ा नहीं पसंद, तो मुझे लग रहा है सम हाउ ये काढ़ा के आसपास का टेस्ट देगा, बाकी तो पी के देख के बताती हूँ। इसमें थोड़ा दूध और चीनी और मिला होता तो मैं पी लेती। काढ़ा है पर फिर हेल्दी में नहीं आएगा ना अगर दूध और ये सब आप चीनी वगैरह मिला दोगे। हाँ हेल्दी ही है, थोड़ा सा पेट बाहर निकल गया, थोड़ा नहीं ज्यादा निकल गया। So now we have this blue tea. इसके खास बात यह है कि इसको दो तरीके से आप पी सकते हो, iced में भी और hot में भी। Iced बनाने के लिए इसमें थोड़ा time और hodgepodge बहुत है, तो हम इसको गर्म ही पी लेते हैं। क्या? तो ये 399 यानी कि almost 400 रुपए का है। कितने ग्राम मिल रहे हैं आपको? 25 grams मिल रहे हैं। तो ये रही वो flowers, अब हम इसमें गर्मा गर्म पानी pour करेंगे। जितना ब्लू रंग आया नहीं पानी में इतनी होगा, इसको प्रॉपर बॉईल करना पड़ेगा। सो ले आई हूँ मैं ये ब्लू टी, और ये यार कितना प्यारा कलर में कन्वर्ट हुआ, एकदम टील ब्लू जो होता है ना, प्लेन पानी जैसा लग रहा है। तो चीनी वीनी कुछ तो मिलाती? हाँ ओ सॉरी, इसमें हनी मिलाना था, हनी नहीं है मेरे पे, सच में नहीं है, तो पानी जैसा लग रहा है। तो यू कैन ऐड कार्डमम और हनी, इसमें लिखा था, आप अपने अकॉर्डिंग। के लिए उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, नहीं एक बार पी के देख, पानी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो टेस्ट तो आएगा ही ना वैसे, मतलब खुशबू आएगी। कुछ भी नहीं पिया तुमने? पिया है, पानी लग रहा है, पानी लग रहा है। नहीं तो आपको आपके गट हेल्थ और आपको थोड़ा हेल्दी ब्लोटेड फील करते हो तब आप इस टी को पियो, तो ये उन चीज। तो नेक्स्ट वी हैव दिस वही ब्लैक वाटर वाले कंपनी का, ये हाइड्रेशन आईवी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक मिक्स है इन द फ्लेवर ब्लूबेरी। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट, एक तो मेरे मुझे इतना टंग ट्विस्ट हो रहा है, तो ये तब जाके ना यूज करते हैं हम, जैसे इंस्टेंट हाइड्रेशन चाहिए आपको, वही प्री वर्कआउट की तरह ले सकते हो। एक बार तो मैं बेहोश हो गई थी जिम में, तो मुझे एक लड़के ने दिया था, तब मुझे पता चली, मुझे इन इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स का महत्व पता। तो सबसे पहले हम पानी पोर कर लेते हैं, बस सारा काम मुझसे ही करवाती है, हर एक ड्रिंक मैंने बनाई है। मिक्स करेंगे। ब्लूबेरी का टेस्ट आ रहा है, बट खांसी की दवाई होती है ना, स्मेल वैसी आ रही है। एग्जैक्ट सांस रोक के ये पता कैसा लग रहा है, ओरिजिनल जो डॉक्टर्स देते ना ORS, ये वो मैंने बहुत पिया है, मैं हॉस्पिटल के चक्कर मैंने बहुत काटे। तो आप बताना, आपने कभी इसको ट्राई किया था कि नहीं, या फिर आप इसे ट्राई करोगे या नहीं? मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है क्रैनबेरी मंगा लेते हैं। मुझे कब से ग्रीन कॉफ़ी पीनी थी, एक्चुअली मैंने ना इसको ऑर्डर करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, मुझे वो जो ग्रीन माचा टी नहीं होती, माचा टी, माचा बाबा टी लाइक, हाँ हाँ माचा वाला जो फ्लेवर होता है, मैंने वो सोच के पाउडर फॉर्म में मंगाया था, बट ये वो नहीं है, मैंने तो उसको पहले ही ओपन करके देख लिया था, ये वाला ऐसे ना, तो ये इस फॉर्म में नहीं आया है, मैं इसको ओपन करके देख चुकी हूँ। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट, जो पहली चीज़ है, कॉफ़ी जैसे प्री वर्कआउट के लिए, मैं जो ब्लैक कॉफ़ी होती है मैं प्री वर्कआउट के लिए लेती थी, बट ये हेल्प मतलब वेट मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगा, और ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, तो अगर आपको कोई ग्लूटेन फ्री कॉफ़ी वगैरह का फ्लेवर मतलब टेस्ट लेना तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसे बनाते हैं क्योंकि इसको यहाँ पे बना नहीं सकते हैं, मैं वहाँ किचन में बना के लाती हूँ, फिर मैं आपको वो ड्रिंक दिखाती हूँ। सो ये रही हमारी ग्रीन कॉफ़ी, जो ग्रीन कॉफी पाउडर से बनी है, जो मेरी बहन टेस्ट करेगी, जो मेरी बहन, अरे यार पी यार मम्मी सास रोक के पीऊंगे यार, कितने ड्रामे करते हैं। No. इतनी बुरी है क्या? इस पे भी कुछ मिलाना था क्या? पता नहीं, पागल देंगे, कुछ मिला दो इसको, देखना। अच्छा सॉरी, इसमें हनी या लेमन मिलाना था, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। दो बार ऐसा कर दिया इसने मेरे साथ में, वो उसमें जो डिटेल दी थी वो एक्चुअली इसकी डिटेल थी, मैंने सबके ना वो इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, अब मैं हनी ऐड कर रही हूँ इसमें। यार मुझे नहीं पता था, मुझे यार पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ो दो। भाई बहुत अजीब है ये, आप ये आपकी गट हेल्थ है, ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, लेकिन ये बहुत, मुझसे तो पीने की हिम्मत भी नहीं है। बहुत ही बच्चे इसको पीने के लिए, मुझे बुरा लगा मेरी बहन ने बिना हनी के इसको भी, आई एम सो सॉरी।
तो गाइस ये तो थी वो वायरल ड्रिंक्स जो हम दोनों मैंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे दिखा दिखा के बोलते थे कि यार ये ट्राई करेंगे वो ट्राई करेंगे। आज हमने फाइनली ट्राई कर दिया है। बहन आपको क्या पसंद आया? मुझे ब्लूबेरी और वो एप्पल वाटर पसंद आया। हाँ और मुझे ब्लैक वाटर, वो कश्मीरी चाय, हाँ, वो भी और वो एप्पल फीज वाला वाटर और ब्लैक वाटर, मतलब मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ गई है। बस क्योंकि मैं हेल्दी वेल्दी के नाम पे अच्छी ऐसी चीज़ें खाना पसंद कर जाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो और क्या आप हमसे चाहते हो कि हम ट्राई करें। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जाते जाते अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो मैं आपको जस्ट अ रिमाइंडर याद दिला रही हूँ कि लाइक कर देना, शेयर कर देना कि दो भयंकर बहनों ने इतनी खतरनाक चीज़ें ट्राई करी है और आप अपनी सिस्टर या फिर फ्रेंड के साथ वो ट्राई करना चाहते हो कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और हम मिलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बातें बहुत कर लिए, हम दोनों बहन जाते हैं कहीं घूमने फिरने, हम रेडी हो रखे हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।